दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, हमने गद्दी अपने आप बनाई है, आप भी इसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हमने 6 mm का है तो प्लाई ले सकते हैं या फिर MDF का पीस। हमने MDF का पीस लिया है जिसकी लंबाई हमारी 44 इंची है और चौड़ाई हमारी 10 इंची है। ये हमने पीस निकाल लिया है। इस पीस को यहाँ से और यहाँ से कटिंग करके हम निकाल रहे हैं। फोल्डिंग करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का, ये वाले पीस का आधा करके निशान लगा देंगे और चौड़ाई का भी बिल्कुल आधा इंची, 10 इंची है तो हमने 5 इंच का निशान लिया है। और 44 इंची का पीस है तो हमने निशान लिया है 22 इंची पे। ये हमने 22 इंची पे लिया है और ये वाला निशान हमने 5 इंची पे लिया है, ठीक है। इसके बाद आपको एक छोटा पीस है तो छोटे पीस पर फोल्डिंग करने के लिए बहुत आसान रहता है। आप किनारे से अपने हिसाब से आप 2.5 इंची छोड़ना चाहे, 3 इंची छोड़ना चाहे, तो मैं 2.5 इंची इस साइड से 2.5 इंची छोड़ता हूँ और इस साइड से 2.5 इंची करके एक लाइन और निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, मैंने 2.5 इंची पर लाइन खींच ली। ये वाली 2.5 इंची नीचे से 2.5 इंची और ये वाली ऊपर वाली लाइन से 2.5 इंची। आप चाहे 3 इंची भी रख सकते हैं, 4 इंची भी रख सकते हैं। मेरा पीस छोटा है तो मैंने 2.5 इंची रखा है, ठीक है। ऐसे किनारे से आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किनारे से अपने आप साइज आ जाएगा। आपको जितनी बड़ी बर्फ़ी इसमें बनानी है उतना निशान चौड़ा आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। अगर 4 इंची बनानी है तो मिडिल से 2 इंची, 5 इंची बनानी है तो मिडिल से 2.5 इंची और 6 इंची बनानी है तो मिडिल से 3 इंची। तो हम इसमें मिडिल से 3 इंची यानी कि 6 इंची चौड़ी बर्फी बनाएंगे तो मिडिल से 3 इंची हम लेंगे, ठीक है। तो ये हमने निशान लगा दिया है। मैंने जैसे कि बताया था, हम 6 इंची चौड़ी बर्फी लेंगे तो मिडिल से हमने 3 इंची लगाया। उसके बाद फिर 6 इंची 6 इंची पे निशान लगा दिया है। फिर यहाँ से ऊपर से हमने 6 इंची 6 इंची 6 इंची और यहाँ भी मिडिल से 6 इंची। ध्यान रखना, बीच वाली से हम आधा लेंगे और यहाँ पे फुल। इसके बाद ही जो हमारे निशान दोनों साइड आए, निशानों को हम इस तरह मिला देंगे। आप देखेंगे बर्फ़ी अपने आप तैयार हो जाएगी। इस तरह तीनों निशानों को काटते हुए हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बर्फ़ी का डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप चाहें तो बर्फ़ी का डिज़ाइन अपने हिसाब से चौड़ा या पतला कर सकते हैं। इसमें कोई एग्जैक्ट माप नहीं होता, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हमने ये पीस यहाँ से कट करके निकाल देना है और इस वाले एरिया में ये जो निशान है, ये वाले, यहाँ हमने ड्रिल से होल कर देना है। सारे होल करने के बाद हमने इस पर गद्दी चिपका देनी है 2 इंची की। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने उसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने उसमें ड्रिल से होल किए उस निशान पे और दूसरी साइड हमने 2 इंची की गद्दी चिपका दी। गद्दी चिपकाने के बाद हमने पीछे जो निशान है, ये वाला, ये यहीं से हमने पिन घुसा के यहाँ निशान लिया और ये हमने होल कर दिया। ये होल भी हमने पाइप से, पाइप को आपको केवल गोल गोल घुमाना है। 1.5 इंची का पाइप ले घुमा सकते हैं, बहुत आसानी से कट जाता है। कोई इसमें अलग से टूल लाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका कपड़ा लगाएंगे। तो कपड़ा कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने कपड़ा रख लिया है, हम अब इस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जो होल हमने फोम में किए थे और पीछे प्लाई में, वहीं पर हमने हाथ से दबा के इस तरह से देखिए पिन लगा देना है। बस इसी तरह आपको 1 by 1 करते जाना। हमारी जो सबसे पहली लाइन है, जो ऊपर वाली है या नीचे वाली, जो भी आप पहले लेंगे, उसको आप पहले इसी तरह हाथ से कपड़ा नीचे धसाना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। मैं पहले साइड से एक पिन और लगा देता हूँ होल में। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना, वरना आप जब लगाते जाएंगे तो आपका कपड़ा जो है खिसक के टेढ़ा हो जाएगा और लास्ट में फिर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा बर्बाद भी होगा और फिर थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। तो वो कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो, इसलिए पहले एक साइड कोना मैच कर लेते हैं। तो अब हमारा कपड़ा सीधा रहेगा। अब आपको जो सबसे पहले वाली लाइन है, वो आपको, आप दोनों में से कोई भी साइड पहले ले सकते हैं। तो मैं ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको बस होल में कपड़े को हल्का सा नीचे धसाना है और पिन लगा देनी है। देखिए, कपड़े को आपको बराबर करते जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी तरह बराबर करते चलेंगे तो आपकी जो बर्फी में डिज़ाइन है वो अच्छा आएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। और देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम पिन लगा रहे हैं वो हमने ड्रिल से जो होल किए थे उसके बीच में चला जाता है और ढीला हो जाता है। तो आप क्या करना, उस ऐसे केस में पिन 2 या 3 बार लगा देना ताकि आपका कपड़ा उखड़े ना।
क्योंकि अगर गद्दी से कपड़ा उखड़ गया तो वो आपका बर्फ़ी का डिज़ाइन बेकार हो जाएगा और दोबारा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसे करना। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। इसी तरह दूसरी लाइन, हम देखो नीचे से हम हाथ से चेक कर रहे हैं गड्ढा कहाँ पर है जो फोम में हमने किया था, और फिर ऊपर हाथ से या अंगूठे से उसे दबा के कपड़े को नीचे धंसाना है, और फिर से वही सेम आपको पिन लगा देनी है। आपको दो या तीन पिन अच्छी तरह लगानी है ताकि कपड़ा निकले ना, और इसके बाद आपको हाथ से फिनिशिंग देनी है। ये फिनिशिंग चाहो तो आप लास्ट में भी दे सकते हैं पूरी पिन लगाने के बाद सारे गड्ढों में, लेकिन अगर आप हैंड टू हैंड इसको करते चलेंगे तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हाथों हाथ ही इसको साथ के साथ जैसे ही पिन लगा रहे हैं तो एक एक बर्फी का डिज़ाइन को सेट करते हुए चलें। ये देखिए मैं दो दो तीन तीन पिन लगा रहा हूँ हर जगह और हाथ से सेट कर रहा हूँ। ये देखिए इसके जो सिलवट हैं बर्फी डिज़ाइन का, ये सिलवट आपको इसी तरह मैच करते हुए चलना है, तो ये आपको बाद में परेशानी नहीं होगी और आपका एक बार में ही डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका है, आपको कोई इसमें माप नहीं लेना है, सिर्फ आपको हाथ से चेक करना है कि होल कहाँ पर है और पिन लगाते जाना है। देखिए दो दो पिन बहुत हैं, लेकिन आप अगर ढीला है आपको लग रहा है निकल सकता है तो आप तीन भी लगा सकते हैं, चार भी लगा सकते हैं, आपका कपड़ा मजबूती से पकड़ा होना चाहिए। और ये हमारा लास्ट वाली जो दूसरी लाइन थी वो भी कंप्लीट हो गई है, इसकी फिनिशिंग सेट कर देते हैं। ये इसका सिलवट सेट हो गया। इसी तरह सेम प्रोसेस फिर लास्ट वाली के लिए है। लास्ट में आपको फिर से भी नीचे से चेक करना है कि फोम में होल कहाँ पर है, और हाथ से अंगूठे से हाथ से दबा के आपको पिन लगा देनी है, और साथ के साथ फिनिशिंग यानी कि जो बर्फ़ी की सिलवट है उसे करते हुए चलना है। देखिए हमारा बर्फ़ी का डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। आपका अगर पीस बड़ा भी है तो सेम प्रोसेस है, आपको एक एक बार एक एक लाइन पूरी करते हुए जाना है, फिनिशिंग करते हुए जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार करें तो कपड़ा पहले ना काटें, कपड़ा लास्ट में काटें पूरी फिनिशिंग होने के बाद। देखिए हमने भी अभी कपड़ा नहीं काटा है आपको दिखाने के लिए, कपड़ा हम लास्ट में काटते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कपड़ा कम पड़ जाता है अगर आप पहले से फिनिशिंग करते हैं और पहली बार कर रहे हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा नहीं रहता है कि कपड़ा दबाना है और कितना नीचे चलना है, तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट में काटूँगा। देखिए यहाँ पर ऊपर से भी आप हाथ से दबा के चेक कर सकते हैं, अगर आइडिया नहीं मिल रहा है तो नीचे से हाथ से आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर आपने फिर किया और हल्का सा आपको दबाना से फिर लगा देंगे। ये फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है, और ये वैक्सीन वाला कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा टफ होता है करना क्योंकि ये बहुत थोड़ा कच्चा होता है हल्का, लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है तो आप और अच्छी फिनिशिंग इससे दे सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो रैक्सीन ना लें, कपड़े में ट्राई करें क्योंकि कपड़े में आपको प्रिंटिंग बनाने में आसानी होगी। और डिज़ाइन का बड़ा पीस या फिर खाना बड़ा हो या बर्फ़ी का डिज़ाइन छोटा हो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप पहले छोटे पीस से ही ट्राई करना, जैसे मैंने छोटा पीस लिया, बड़े पे आप पहली बार में ट्राई करें क्योंकि बड़े में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक बार छोटे में आप करके थोड़ा सीख लेंगे तो बड़े में आपको फिर टाइम लग जाएगा। तो ये देखें हमने बर्फी डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, और मैंने जैसा बताया था ना कपड़ा हम लास्ट में काटेंगे, तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। जितना मैं नीचे दबाना है उतना छोड़ के हम कटिंग कर लेंगे, इसमें कोई मापने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से जितना कपड़ा दबाना चाह रहे हैं उतना आप अपने हिसाब से छोड़ दें और कटिंग कर लें, दोनों साइड से कट कर लेंगे। ये कपड़ा कट हो गया। इसके बाद आपको अगर कहीं लग रहा है कि फिनिशिंग नहीं आई है तो आप हाथ से जो है सिलवट की फिनिशिंग कर सकते हैं, हाथ से उसे सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको किनारे वाले जो इसके हिस्से हैं उनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि अब कपड़ा कट सकता है, नीचे लोहे का फ्रेम है, तो इसके नीचे एक फोम का पीस रख लेंगे हम, एक लिटलॉन का टुकड़ा इसके नीचे रख देते हैं। उसके बाद हम इसको आगे करना शुरू करेंगे। आप भी इसी तरह कोई पीस सॉफ्ट नीचे रख लें वरना आपकी गद्दी ख़राब हो जाएगी। अब हम शुरू करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके बाद जो किनारे वाले एरिया हैं जो सिलवट हैं किनारे वाली, वो देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ किनारे वाली सिलवट को आपको लेके और एक पिन वहाँ पे या कील जो भी है आपको लगा देनी है। इसी तरह आपको सिर्फ सिलवटें बैठानी है,
पूरे ही पीने अभी नहीं मारनी है, सिर्फ किनारे किनारे की सिलबटें आपको बैठा देनी है चारों साइड। ये देखिए मैं चारों साइड से हमने जो सिलबटें हैं वो हमने बैठा लिए। अब इसके बाद हम इसमें बटन डालेंगे, डायमंड के बटन हम डाल रहे हैं इसमें। आप चाहें तो कपड़े वाले बटन भी लगा सकते हैं, और बहुत बार बिना बटन लगाए भी कुल्टिंग होती है, तो वो कैसे होती है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इसमें डायमंड के बटन डालेंगे। डायमंड के बटन डालने के लिए हमने धागे का इस्तेमाल किया है। हमें इसमें 13 बटन लगाने हैं, तो मैंने 13 ही पीस धागे काट लिए हैं लगभग 10 से 12 इंच के, और बटन को धागे में पिरो के सुई की मदद से जो हमने होल किए थे ड्रिल से, बस वहाँ पे हमको डाल देना है। और इसी तरह हमको सारे जितने भी होल हैं सब में एक एक बटन डाल देना है, और फिर हम टाइट इनको कैसे करेंगे वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और ये लगभग हमारी जो कुल्टिंग है उसमें बटन हमने लगभग डाल दिए हैं, ये लास्ट है, इसको भी हम डाल देते हैं। इसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सारे धागों में हम एक एक करके गांठ लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे धागों में गांठ लगा देंगे। इस तरह गांठ लगाने से क्या है, आपका धागा वापस पीछे खींचेगा नहीं और उसमें मजबूती बनी रहेगी। अच्छा, गांठ लगाने के बाद हम इसमें खींच कर स्टेपलर की पिन लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पिन हम बिल्कुल गांठ से सटा के लगाएंगे। इससे क्या होगा कि वो धागे को पीछे हटने नहीं देगा। आप चाहे तो दो दो पिन भी लगा सकते हैं, आपको बस धागा बिल्कुल टाइट रखना है। तो ये सारे धागे खींचने के बाद हम इसको वापस से सीधा करके देखें कोई बटन ढीला ना हो। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रखी है गद्दी में। अब हम इसको बटन लगाने के बाद पूरा पक्का करेंगे। जो हमने किनारे एक एक पिन लगाया था, अब हम उसे अच्छी तरह से पिन की भराई कर देंगे ताकि कपड़ा वापस न खींचे। चारों साइड से कपड़ा पक्का करने के बाद हमने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो चारों साइड किनारे में बसता है पिन लगाने के बाद, तो उसको हम काट के निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से आप बिल्कुल थोड़ा सा बचा के उसे काट कर निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी गद्दी प्रॉपर बैठेगी। अगर ये कपड़ा आगे निकला रहेगा तो ये आपकी गद्दी को बैठने नहीं देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा रहेगा तो वो गद्दी को आपकी ऊपर उठाएगा। तो इससे बड़े यही है कि इसे काट के निकाल दें। और देखिए हमारी जो गद्दी है बर्फी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो गया है। जो भी थोड़ी बहुत सिलबटें आपको लगे कि ठीक नहीं बैठी हैं, तो आप कंप्लीट होने के बाद भी उन्हें सेट कर सकते हैं। तो देखिए आप किस तरह से हमारी गद्दी तैयार हुई है, आइए मैं पास से आपको दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो आपके पास आगे आती रहेंगी। धन्यवाद।